फ्रेंड्स, आदर्श बालिकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 12 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में मैं सुनीता वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अपनी जो पिछली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग दो में गद्य खंड जो है वो मैंने स्टार्ट किया है और उसका जो फर्स्ट चैप्टर था महादेवी वर्मा द्वारा लिखा हुआ था भक्ति, उसका अध्ययन अपन ने कर लिया है। क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको बता दिए थे। पूरा चैप्टर जो है वो अपन ने रीड कर लिया। अब इसी तरीके से जो आपके पाठ संख्या 2 है जिसके लेखक है चेनेंद्र कुमार और पाठ का जो नाम है वो आपके है बाजार दर्शन, तो इसके बारे में आज जो है वो अपन अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं बता दूँ कि कल जो है आप अपनी फर्स्ट चैप्टर की क्वेश्चन आंसर की जो नोटबुक है स्कूल में लेकर के आए, अगर आज ला सकते हैं तो आज ले आए और नहीं तो कल दोपहर 2 बजे तक आप स्कूल में आए और अपनी हिंदी की जो नोटबुक है वो लेकर के आए और वो उनसे चेक करवा करके स्टैम्प करवा करके लेके जाए। अब जिनेंद्र कुमार का जो जीवन परिचय वो अपन पढ़ेंगे कि किस साल इनका जन्म हुआ है, कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी है, कौन से पुरस्कार इनको मिले हैं और इनके द्वारा क्या योगदान जो है वो आपके हिंदी साहित्य में गद्यखंड में दिया गया है और कब इनकी मृत्यु हुई है और उसके बाद उनके द्वारा रचित जो आप उनकी रचना है उसके बारे में। तो सबसे पहले जो है जनेंद्र कुमार का जन्म जो है सन 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। कब हुआ है? सन 1905 में इनका जन्म हुआ है और वो भी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, जन्म 1905 अलीगढ़ में जो मात्रा है वो आपको बढ़िया लगनी है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परब, अनाम स्वामी, सुनीता, त्याग पत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्ति बोध, ये तो है इनके उपन्यास, वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजे, ये है इनके कहानी संग्रह। तो ये आप जब इनका जीवन परिचय लिखते हो तो उसमें हेडिंग बनानी है आपको प्रमुख रचनाएं और रचनाओं में सिर्फ एक ही को लेकर के लिखोगे, जैसे आपने हेडिंग बनाई उपन्यास, तो इनके द्वारा लिखे हुए जो उपन्यास है उनके नाम जो है इसके आगे आपको देने। इसी तरीके से कहानी या कहानी संग्रह जो भी इनके दिए हुए हैं उनके बारे में आपको लिखने के लिए हेडिंग बना करके उसके आगे आपको लिखना है। प्रस्तुत प्रश्न जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, विचार प्रभाव निबंध संग्रह है। तो ये क्या है? इनके निबंध संग्रह। स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है ना आपके पास? आवाज आ रही है ना? प्रमुख पुरस्कार है इनके साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित। तो ये है इनके द्वारा इनको प्राप्त किए हुए पुरस्कार। अब इनका जो निधन है वो सन 1990 में हुआ है। तो इनका जो निधन है वो कब हुआ है? सन 1990 में। जन्म हुआ 1905 में और मृत्यु भी सन 1990 में। हाँ बोलो नहीं सारे जो ही नहीं है इसमें तो नहीं आके से दिखा देखो आप। ठीक है तब। तो जिनेंद्र कुमार का जो जन्म है सन 1905 में हुआ है।
जिनेंद्र कुमार का जो निधन है सन 1990 में हुआ है, यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है वही तो असमर्थ है। यहाँ जिनेंद्र कुमार ने ये कहा है कि जो यथार्थ को, वास्तविकता को ही अंतिम सत्य मान लेता है और उसी को लेकर के बैठ जाता है, ओढ़ लेता है और अपने आप को विवश मानता, मजबूर मानता है, वही तो क्या है इस समाज में असमर्थ है। अर्थात वो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं हो पाएगा, वह असमर्थ है। पर जिसने स्वप्न के सत्य के और जिसने स्वप्न के सत्य को पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए वह यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। लेकिन जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए वो यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। यानी अगर जिसने स्वप्न देखा है कि मुझे ये करना है तो वास्तविकता में चाहे उसके सामने कितनी ही कठिनाइयां क्यों न आ रही हो वो उन्हें देख करके निरुत्साहित नहीं होगा, यानी उसका उत्साह कम नहीं होगा, बल्कि उसी तरीके से, उसी उत्साह से उस कार्य को करने के लिए वो आगे बढ़ता रहेगा और उन समस्याओं को देख करके घबराएगा नहीं। ये जो पंक्तियां हैं ये जिनेंद्र कुमार के द्वारा लिखी गई है। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण, जो है हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जिनेंद्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। यानी इनके द्वारा दिया गया जो योगदान है वो बहुत ही व्यापक है और विविधता लिए हुए है। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन किया। तो ये कैसे लिखा गया आपके, मनोवैज्ञानिक कथा धारा का जो प्रवर्तन है वो आपके जिनेंद्र कुमार के द्वारा किया गया है। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्याग पत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रभुत प्रतिष्ठा दिलाई। तो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में इन्हें प्रसिद्धि दिलाने वाला इनकी जो रचना है वो सन 1937 में प्रकाशित हुई थी और जिसका नाम क्या है, त्याग पत्र। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली। कालजयी रचनाएं यानी जो कि लंबे समय तक हमेशा पढ़ी जाती हैं उन्हें कालजयी रचनाएं कहते हैं। तो ये इनकी कहानियों के नाम हैं जिसमें खेल है, पाजेब है, नीलम देश की राजकन्या, ये सभी जो है इनकी रचनाएं हैं जो कहानी शैली में लिखी गई। कथाकार होने के साथ साथ जिनेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही। यानी कथाकार तो ये है, साथ ही इन्हें क्या बताया गया है, गंभीर चिंतक भी बताया गया है। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु एवं सहज उपयोग वे जीवन जगत में से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं वह अन्यत्र दुर्लभ है। दुर्लभ है यानी जो बड़ी मुश्किल से मिलता है, कठिनाई से मिलता है। तो इस प्रकार से वो किससे प्रभावित, कौन से दर्शन से प्रभावित थे, गांधीवादी दर्शन से प्रभावित थे और गांधीवादी जो दृष्टि है उसी को उन्होंने सहज रूप में अपने जीवन में अपनाया और उसी के माध्यम से जीवन से जुड़े हुए जो प्रश्न थे उनको हल किया।
और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया है। तो गांधीवाद जो गांधी जी के द्वारा दी गई विचारधारा है उसे गांधीवाद कहा गया है। ये आप लोग जल्दी आया करो भाई। स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लिया करो, आ जाया करो जल्दी। बाजार दर्शन जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण निबंध। अब ये देखिए इनकी जो रचना है बाजार दर्शन गद्य शैली में लिखी गई है और गद्य में भी आपके निबंध शैली में जो है ये लिखी गई है, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। तो इसमें गहरी वैचारिकता और साहित्यिक सुलभ लालित्य यानी साहित्य के लिए जिस सुंदरता की जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है उनका संयोग जो है यहाँ देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले एक डेढ़ दशक पहले ही शुरू हुई है। दशक किसको कहते हैं? 10 वर्षों के समूह को दशक कहते हैं। तो एक डेढ़ दशक यानी 10 से 15 साल पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का लेख आज भी उनकी मूल अंतर वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। बेजोड़ है यानी जिसके मुकाबले का कोई दूसरा नहीं है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम जरूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। तो ये देखिए अगर बाजार का हम सही उपयोग नहीं करेंगे तो बाजार जो है वो हमें असंतोष देगा, यानी कभी भी मन में संतोष का भाव नहीं होगा कि जितना अपने पास है उतना ठीक है, ऐसा भाव भी नहीं आएगा, संतोष का नहीं होगा। असंतोष तृष्णा, तृष्णा यानी किसी चीज को पाने की लालसा, ईर्ष्या द्वेष यानी कि उसके पास तो ये है मेरे पास नहीं है, या बाजार में इतना सब कुछ है मेरे पास तो नहीं है। इस तरीके से ये जो बुराइयां हैं वो अपने अंदर आ जाएंगी और जिससे हमारा जो जीवन है वो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इस मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भांति भांति से, भांति भांति यानी अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा गो की तरह। किस्सा गो यानी अपन किस्से सुनाते ना, कहानियाँ सुनाते छोटे उसकी तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने नीति शास्त्र बताया है, यानी बाजार जो हमारा पोषण करता है वो क्या है, अर्थशास्त्र, और इसी अर्थशास्त्र को उन्होंने नीति शास्त्र कहा है, बताया है। अब जो आपका जैनेन्द्र का जीवन परिचय है वो आप अपनी नोटबुक में कर लेना, जिसमें इनके जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स है वो आप लिखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया जन्म का पॉइंट है, रचनाएं हैं, रचनाओं में भी आपका कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, नाटक है, जिस प्रकार की भी रचनाएं हैं उन सबको अलग अलग करके लिखेंगे। फिर इन्हें दिए गए जो पुरस्कार हैं उनके बारे में बताएंगे और उसके बाद जो है किस प्रकार के कथाकार रहे हैं, किससे इनको पहचान मिली है, कौन सी इनकी ऐसी रचनाएं हैं जिनसे इन्हें विशेष जो कीर्ति है हासिल हुई है, किस विचारधारा से प्रभावित थे। और इसी के साथ अगर पाठ परिचय में जैसे आपने दिया है कि ये जो है गद्य के निबंध शैली में लिखा गया विचार प्रधान निबंध है, तो
ऐसी जो चीजें हैं वो आप उसमें से छांट करके मुख्य मुख्य जो बिंदु है पॉइंट्स है वो अपने जीवन परिचय में लिख ले। क्यों? क्योंकि आप ये सोचते हैं कि जीवन परिचय हमारे नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है। कि अगर हम किसी की कोई रचना पढ़ रहे हैं तो उससे पहले उसके बारे में जानना भी जरूरी है। साथ ही अगर हम प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं तो उस प्रश्न के उत्तर को लिखते समय हमें बीच बीच में ये पॉइंट्स जो है वो बहुत काम आते हैं। अब आपका जो निबंध है बाजार दर्शन, बाजार आप सभी जानते हैं मार्केट, दर्शन यानी उसके दर्शन करना जो आप जाते रहते हो। तो यहाँ जैनेन्द्र कुमार ने ये जो निबंध है वो बहुत पहले ही लिख दिया था। जो परिस्थितियाँ आज हमारे सामने आ रही है उन परिस्थितियों से उन्होंने हमें बहुत पहले ही अवगत करा दिया था कि किस प्रकार से बाजार जो है वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, हमारे अंदर असंतोष कृष्ण और ईर्ष्या के भाव लेकर के आएगा। तो इन सब के बारे में उन्होंने बताया। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज लेने पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। कई बार अपन देखते हैं कि ऐसा होता है कि हमें बाजार जाना है किसी छोटी सी वस्तु के लिए, किसी सामान्य सी वस्तु के लिए, और अपन क्या करते हैं बाजार जाकर के वो एक वस्तु तो लेते ही हैं, उसके साथ में अन्य जो वस्तुएं हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, उन्हें भी हम क्या करते हैं खरीद लेते हैं। तो ऐसे मित्र जो हैं यहाँ जिनेंद्र कुमार के हैं जिन्होंने ऐसा किया है। मैंने कहा यह क्या? बोले यह जो साथ थी, बोले यह जो साथ थी अर्थात उनकी जो पत्नी है वो उनके साथ थी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, यानी पत्नी क्या, पत्नी की बात है कि उन्होंने इतना खरीद लिया है, उस महिमा का मैं कायल हूँ, यानी मुझे तो ये मानना ही पड़ा। आदिकाल से इस विषय में पत्नी से पति की प्रमुखता प्रमाणित है कि यानी जब भी बाजार जाया जाता है, कुछ खरीदा जाता है तो वहाँ प्रमाणिकता जो है वो पत्नी को ही दी जाती है, वो जो चाहती है वो लेकर के आती है या खरीद। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है, यानी किसी की व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं कि मैं चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ मेरा व्यक्तित्व कैसा, बल्कि ये स्त्री का स्वभाव है कि वो क्या करती है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ू, स्त्री माया न जोड़े यानी एक स्त्री का स्वभाव होता है जितना कुछ भी उसके पास होता है उससे वो खुश ना होकर के बल्कि और अन्य उससे जोड़ते रहना चाहती है, ऐसा स्त्रियों का स्वभाव बताया गया है। तो स्त्रियां भी अगर माया नहीं जोड़ेगी, सामान धंधो आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं करेंगी, सामान वगैरह नहीं लेकर के आएंगी तो और कौन जोड़ेगा, ऐसा जो है लेखक के कव साथी हैं वो कह रहे हैं। मित्र फिर भी सच सच है और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है, यानी खुद ने मना नहीं किया पति ने बल्कि पत्नी के पीछे छिपने का प्रयास करेंगे, सब इसने लिया मैंने कुछ नहीं किया, जबकि वो वहां मना करके उस बात को रोक भी सकते। मूल में एक और तत्व की महिमा सह विशेष है। एक और तत्व है, वह तत्व है मनी बैग, मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। तो मनी बैग किसको कहा गया है, उसके पास जो पैसा है जितना पर्स के अंदर, तो वो जो पावर है उसके अकॉर्डिंग भी जो है शॉपिंग की जाती है। तो इसी प्रकार से पैसे के पावर के कारण ही, गर्मी के कारण ही, एनर्जी के कारण ही उनके जो मित्र हैं वो इतना सारा सामान उनको ले आए। अगर पैसा ही उनके पास नहीं होगा तो कहाँ से उसको खरीदते। पैसा पावर है, पावर यानी शक्ति है, पर उसके सबूत में आस पास माल डाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है, यानी अगर पैसा है आपके पास और उससे आप ऐशो आराम की अपने शौक की सुविधाएं की जो चीजें वो नहीं खरीद सके तो फिर आप क्या करो, वह एक पावर है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखी भी दिखते हैं। माल असबाब, असबाब किसको कहोगे, सामान जो है वो तो बिना दिखाए भी दिखते हैं। मकान कोठी अपन देख करके कह देते हैं ना कई बार, सामान वगैरह है मकान है कि हाँ भाई देखो इसके पास तो खूब पैसा है, कितना बड़ा मकान है, कितना सारा इसके पास सामान है। पैसे की परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर यानी क्रय करने की शक्ति, किसी चीज को खरीदने की शक्ति, प्रयोग में ही पावर का रस है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं, संयमी यानी कंट्रोल रखने वाले, नियंत्रण रखने वाले, वे फिजूल खर्च सामान को फिजूल समझते हैं,
वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, यानी जो चीज काम फिजूल यानी जो काम में नहीं आ रहे, जो चीजें काम में नहीं आती है उन्हें वो बेकार समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं है और बुद्धिमान होते हैं, यानी जिस चीज की उसे जरूरत नहीं है वो उसे नहीं खरीदते हैं और इस प्रकार से अपने पैसे को बर्बाद नहीं करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि और संयम पूर्वक वे पैसे को जोड़ते जाते हैं, यानी अपने बुद्धि से दिमाग से और अपने मन पर नियंत्रण से पैसे को जोड़ते चले जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, पर व्यस्त पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। यानी अब वो इतने नियंत्रित रहते सही में रहते हैं कि उन्हें पता है कि उन्हें पैसे की जो खर्च है वो नहीं करना है, बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। यानी उससे वो सामान नहीं खरीदते बल्कि क्या करते हैं उस पैसे को जोड़ते रहते हैं और जोड़ करके मन ही मन क्या होते हैं गर्वित होते रहते हैं कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है, मैंने कहा ये कितना सामान ले आए, मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, मैंने जो सामान लेके आया दिखा दिया, कहा यह देखो और अपना पर्स दिखाया कि मेरे पर्स में मनी बैग में कुछ भी नहीं है, सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो यानी वापस जाने के लिए टिकट के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं, मैंने तब तय माना कि और पैसा होता तो सामान, यानी अगर उस मित्र के पास अगर और पैसा होता तो वो और अधिक सामान खरीद लेते। वह सामान जरूरत की तरह देख कर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है, यानी ये जो सामान खरीदा गया है ये जरूरत के अनुसार ना करके पैसे की शक्ति के आधार पर खरीदा गया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए, उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है, वह महत्व है बाजार। यानी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन सब के बीच में जो बाजार है उसका भी बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि जब अपन बाजार जाते हैं तो वहाँ सामान जो है वो इस तरीके से सजा सजा करके रखा जाता है कि मोर होते हुए भी वह सामान जो है वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। मैंने कहा है यह इतना कुछ नाहक ले आए, यानी ये बिना जरूरत का नाहक, यानी बिना जरूरत का आप ले आए जो किसी काम का नहीं है। मित्र बोले कुछ न कुछ बाजार है कि शैतान का जाल है, यानी जिस प्रकार से जादुई शक्ति जो है शैतान की शक्ति जो है वो व्यक्ति पर हावी हो जाती है, उसी प्रकार से यहाँ बाजार की शक्ति जो है वो व्यक्ति पर हावी हो जाती है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे, यानी इतना सजा करके रखते हैं ऐसा बेशरम ही होगा कोई कि जो सामान की तरफ आकर्षित ना। मैंने मन में कहा कि बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो। बाजार जो है वो इस तरीके से सजा करके रखा जाता है कि लोग जब उसकी तरफ जाते हैं उसे देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये कह रहा है कि आओ और मुझे लूटो, अर्थात मुझे ले लो सामान खरीद लो, सब भूल जाओ मुझे देखो, यानी भूल जाओ कि आपके पास कितने पैसे, क्या सामान आप लेने आए थे, बस जितना खरीद सकते हो उतना खरीद ले जाओ, मेरा रूप और किसके लिए, यानी बाजार कहता है कि मेरा ये जो रूप सौंदर्य है वो किसके लिए, मैं तुम्हारे लिए नहीं यानी ग्राहक के लिए नहीं, कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। यानी अगर कई बार अपन सोचते ही नहीं मुझे कुछ नहीं लेना, लेकिन फिर भी अपन क्या सोचते हैं कि क्यों ना अपन कुछ देख लें। अजी आओ भी इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है, यानी बुला नहीं रहा है, आग्रह नहीं है, लेकिन हम उसे नकार देते हैं, उस आग्रह को स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे लगता है जैसे उसका तिरस्कार कर रहे हैं। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूल होता है, ऊंचे जो बाजार होते हैं ना बड़े बड़े मॉल है और है बड़ी बड़ी दुकानें हैं शोरूम है, तो उनका जो आमंत्रण है, आमंत्रण यानी निमंत्रण बुलावा, वो कैसा होता है, मूल होता है, चुप होता है, बाजार बोलते थोड़ी है, लेकिन उसकी जो सजावट है उनका जो सामान उसे देख करके हम अपने आप ही आकर्षित होते हैं, उससे चाह जगती है, यानी मन में इच्छा जगती है, चाह मतलब अभाव कमी,
चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफी नहीं है और चाहिए और चाहिए। यानी जब व्यक्ति बाजार के चौक बाजार में खड़ा होता है तब उसे ये लगता है कि उसके पास जो कुछ भी है वो कम है, उसे और खरीदना चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है, परिमित सीमित है, और यहाँ कितना अतुलित है, यानी बहुत सारा है। और तो बाजार जो है उसमें कितना है, अतुलित है, यानी बहुत सारा है, और हमारे पास परिमित है, परिमित यानी बहुत कम है, इसलिए हमें ये सामान खरीदना चाहिए। बाजार जाकर से जाकर के व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है। कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना चुके। कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना, कामना यानी लालसा से विकल यानी घायल बना करके छोड़ देता है। विकल में पागल, व्यक्ति पागल सा हो जाता है कि नहीं मैंने तो ये नहीं लिया। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है कि अपने पास नहीं है, अपन नहीं खरीद पा रहे हैं, तो उन चीजों को देख करके हमारे अंदर जो है एक पागलपन सा सवार हो जाता है। असंतोष यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ऐसा भाव, तृष्णा पाने की लालसा, ईर्ष्या कि दूसरों के पास ऐसा है मेरे पास नहीं है, इन सारी बुराइयों से हमें क्या करेगा, भर देगा। तो ये है असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या, पागलपन, विकल, घायल। तो ये सारी की सारी क्या है, बाजार के द्वारा वहाँ अगर हम कुछ भी नहीं खरीद पाते हैं, अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं, तो ये सारी बुराइयाँ जो है वो हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, जो कि जीवन भर हमारे अंदर रहती है। अब ये था बाजार दर्शन पाठ, जिसमें यहाँ आपके लेखक के जो पहले मित्र हैं, फर्स्ट जो मित्र हैं, उनके बारे में उन्होंने बताया। इसी तरीके से आगे दो मित्र और हैं उनके, जिनके बारे में ये जो है आपको बताएंगे कि वो किस प्रकार के हैं। तो फर्स्ट जो इनके मित्र हैं वो किस प्रकार के हैं, सिर्फ उनके पास क्या है, पैसे की गर्मी, मनी बैग, यानी खूब सारा पैसा है, जिसके आधार पर जो है वो खूब सारी शॉपिंग करके ले आए हैं, जिन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत नहीं है फिर भी उनको ले आए हैं। लेखक के द्वारा कहे जाने पर वो अपनी पत्नी का नाम ले देते हैं, उनकी वोट लेते हैं कि नहीं ये माशी जो है यही सब कुछ लेकर के आई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जबकि अगर वो चाहते तो उन्हें कह भी सकते थे कि जितनी ज़रूरत है, जितना हमें चाहिए, उसी के अनुसार हम जो है खरीदें। तो बाजार जो है उसमें एक जादू होता है। बाजार में जाकर के व्यक्ति जो है वो अपनी बुद्धि और संयम पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, जिसके कारण जो है वो ना चाहते हुए भी सामान खरीद डालता है, और जब तक उसे होश आता है तब तक वो अपना सारा पैसा जो वो खर्च कर चुका है, और बिना जरूरत की चीज़ें जो है वो भी खरीद चुका है। तो इस प्रकार से जो लेखक बाजार है वो मूक होते हैं, बोलते नहीं है, मूक यानी जो बोल नहीं पाता, गूंगा। तो यहाँ बाजार जो है वो बोल नहीं पाते, लेकिन फिर भी क्या है, तो लोगों को अपनी तरफ बुलाते हैं, आकर्षित करते हैं। अगर कोई खरीद लेता है तब तो मनी बैग खत्म हो जाता है, तो पैसे की जो गर्मी उसके अनुसार अनाप शनाप खरीद लेता है, और जिसके पास पैसा नहीं है, जो उसे नहीं खरीद पाता है, उसमें बहुत सारी बुराइयाँ जो है उसके मन में पैदा कर देता है। संतोष है, तृष्णा है, ईर्ष्या है, विकल है, पागल है, इस तरीके की कामनाएं हैं, वो सारी जो बुराइयाँ हैं वो व्यक्ति के मन में समा जाती है। तो इस प्रकार से ये जो फर्स्ट जो है यह भाग जो है इसका वो अपन ने पढ़ लिया है। अब इनका जीवन परिचय जो है ये आप अपनी नोटबुक में कर लें, और इसी के साथ जो है फर्स्ट चैप्टर का गृह कार्य करके और आप अपनी नोटबुक जो है वो मुझसे चेक करवाएं। गुरुवार और शुक्रवार को आकर के आप अपनी नोटबुक चेक करवा सकते हैं, और सभी को आना जरूरी है। अब इसमें से अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पुनः पूछ लें, और इस पाठ की रीडिंग जो है दोबारा करें। हर एक शब्द को बड़े ध्यान से पढ़ें और हर एक शब्द को समझने की कोशिश करें। ये नहीं है कि फटाफट इसको देखा और रीडिंग लगाई। जब तक आपको चैप्टर पूरा समझ में नहीं आएगा तब तक आप हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हो पाओगे।
इसलिए गद्य भाग जो है उसे भी बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। तो आप इसे ध्यान से पढ़ें और इसके बारे में जाने और जो नहीं आए उसे पूछें। आगे का जो भाग है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।